दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो निवेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, आज हम ऐसी कंपनीज की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसको हम डेंजर स्टॉक्स कहते हैं। हमें लग रहा है कि काफ़ी निवेशक ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च करके या बिना किसी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करके किसी के बहकावे में आके निवेश करते हैं, तो ये सीरीज़ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगी। हमने ऐसी कंपनी सिलेक्ट की है जिसने काफ़ी बड़े प्राइस पे आईपीओ प्राइस 2017 में किया और उसके बाद काफ़ी वेल डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि इवन इस लेवल से अगर कोई शेयर बेचता है, होपफुली प्राइमरी मार्केट से जिसने ख़रीदा है या किसी ने सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदा है, तो डेफिनेटली ये कोई डाउट नहीं है कि सही भाव पे शेयर बेचना वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेफिनेटली आपको ये बताएंगे कि कैसी और कौन सी कंपनी से आपको दूर रहना है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हमको ज़रूर आप कमेंट्स भिजवा दीजिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपके कमेंट्स और आपके सजेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सब कहने के बाद हम अभी हमारी कंपनी शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंपनी। नमस्कार दोस्तों, आज की कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है खादिम इंडिया लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस 188 है। कंपनी का आईपीओ 2 साल पहले हुआ और इस कंपनी के बारे में हमको क्यों लग रहा है कि इवन करंट लेवल से ये शेयर प्राइस में एक काफ़ी बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, ये हम आज के प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर बैकग्राउंड, कंपनी का बिजनेस क्या है, इससे हमको जानकारी मिलेगी कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है और कंपनी करीबन 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी को प्रमोट किया था मिस्टर सिद्धार्थ रॉय बर्मन ने, जो ये कंपनी के मेन प्रमोटर है और कंपनी का अभी करीबन 38 साल से फुटवेयर के बिजनेस में ऑपरेट करती है। कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है और खादिम काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में, और साउथ में तो ये तीसरे प्लेयर माने जाते हैं। इनका मेन बिजनेस बेसिकली रिटेल है और डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी है, प्लस इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका आईपीओ जो था वो करीबन नवंबर 2017 में आया था और ये वो टाइम का आईपीओ था जब ही बाजार में काफ़ी बड़ी तेजी थी। ये आईपीओ काफ़ी हाई प्राइस पे आया था, करीबन 745 के प्राइस पे ये आईपीओ आया था और ये आईपीओ बेसिकली एक ओपन ऑफर फॉर सेल भी था जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास पैसा गया और थोड़ा बहुत एक फ्रेश इशू था। बेसिकली अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की बनती है पब्लिक इशू के बाद, उसमें मैनेजमेंट होल्डिंग 60% है, अभी भी म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग करीबन 30% है और बैलेंस 10% इंडियन पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग काफ़ी वेल डिस्पर्स्ड है, हालांकि अभी भी जो प्रमोटर होल्डिंग है। अभी हम खादिम के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी खादिम, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये दो बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। पहला तो रिटेल का वर्टिकल है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल है। यहाँ पे जो खास बात इस कंपनी की है कि इनका जो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, इसका कस्टमर बेस और सेल चैनल बिल्कुल अलग है, प्रोडक्ट रेंज भी बिल्कुल अलग है, लेकिन ज़्यादातर ये बिजनेस रिटेल ड्रिवन बिजनेस है। और रिटेल का मतलब इनके पास जो रिटेल नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ी एक पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट करीबन 817 इनके पास रिटेल शॉप्स है जो बेसिकली खुद कंपनी के हैं और थोड़े बहुत फ्रेंचाइजी मॉडल पे ये ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में भी इनके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, करीबन 568 डिस्ट्रीब्यूटर है एज ऑफ जून 2019। ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट रिटेल के माध्यम से बेचते हैं, जैसे कि ये फुटवेयर बेचते हैं, ये ज़्यादातर मेट्रोज में टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में बेचते हैं। तो बेसिकली इनका जो मेन कस्टमर बेस है वो ज़्यादातर रिटेल है, इंस्टीट्यूशनल बेस थोड़ा कम है। इनफैक्ट
बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सिंपल है। वो खुद कोई प्रोडक्शन बनाते नहीं है। इनफैक्ट इनका टाइप करीबन 500 छोटे वेंडर्स के साथ है, जो ये प्रोडक्ट्स इनको इनके साथ अरेंजमेंट है। ये प्रोडक्ट्स इनके साथ खरीदते हैं और उनको बाद में खादिम के ब्रांड से ब्रांड करके अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स में शोकेस करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस थोड़ा सा अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं और यहाँ पे भी एसेट लाइट मॉडल है, बट यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत कैपेक्स करना पड़ता है क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा कैपेक्स हैवी है। आगे अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी ने काफी समय में काफी अच्छे ब्रांड्स बनाए, जैसे कि इनके 8-9 काफी वेल नोन ब्रांड्स हैं जो अभी प्रोडक्ट में दिखते भी है और काफी मात्रा में बिकते भी है। इनका कोई अगर कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली लजार्ड, क्लियो, ब्रिटिश वॉकर, ये बेसिकली मेन्स वेयर के जूते हैं। प्लस दूसरे जो नोटिसबल ब्रांड्स हैं उनमें से टर्क, शारॉन, बोनेटा और एड्राना है। ये सारे ब्रांड्स इन्होंने अपना खुद का रिसर्च करके और मार्केट में अपने प्रोडक्ट का क्या विजिबिलिटी है, प्रोडक्ट डिमांड क्या है, इसके बाद कंपनी ने किया है। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस काफी अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कंपनी के लिए सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम है। यहाँ से करीबन 26% इनकम कंपनी बेसिकली इनकम जनरेट करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में बेसिकली ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं, जैसे कि एथेनॉल एसेटेट दैट इज ईवीए, हवाई इंजेक्टेड पॉलीविनाइल, फिर पीवीसी, और ये सारा कुछ ये खादिम के ब्रांड पे बेचते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनको रिटेल में तो ऑलरेडी काफी लोग जानते हैं, काफी पुराना प्लेयर है। यही ब्रांड का जो स्ट्रेंथ उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में यूज किया है। हालांकि ये बिजनेस में अभी इनका रेवेन्यू रिटेल के मुकाबले में कम है, कंपनी मानती है कि यहाँ पे भी स्केलेबिलिटी के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खादिम खुद कुछ बनाता नहीं है, इनका मॉडल बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है और ज्यादातर कैपेक्स ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए ही खर्चा करते हैं। और करीबन 90% का जो उनका प्रोडक्ट बेस है वो ज्यादातर ये अपने वेंडर से खरीदते हैं, जो कि इनके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और वो उनको डिजाइन देने के बाद इनके साथ प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो बाद। अभी हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को के पास आएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 साल में इस कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट हमको इन 5 साल में देखने को मिला नहीं है। हालांकि टर्नओवर करीबन 460 करोड़ 2015 में था, जो अभी करीबन 800 करोड़ हुआ है। इबिटा की अगर बात करें तो इबिटा भी करीबन 14 करोड़ से करीबन 55-56 करोड़ हो चुका है। लेकिन जो नोटिसेबल बात है वो है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी वोलेटाइल है। 2015 में ये कंपनी घाटे में थी, उसके बाद 3 साल काफी अच्छे थे और वापस 2019 में कंपनी का जो मुनाफा है बॉटम लाइन वो काफी गिर चुका है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन नंबर्स में हमको दिख रही है वो बेसिकली ये है कि कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में काफी कम है। अभी ये क्यों है? पहला कारण इसलिए है क्योंकि ज्यादातर खादिम इकोनॉमी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा डोमिनेंट है, जहां पे मार्जिन कम होते हैं। तो ऑब्वियसली इनका मार्जिन कम होने के कारण इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। दूसरी बात, ये बिजनेस में हमने देखा है कि लगातार लास्ट 4-5 साल में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो एक जमाने में बहुत मजबूत था वो धीरे धीरे वीकन हो रहा है। FY15 में अगर हम देखें तो करीबन 50 करोड़ का कैश फ्लो था, उसके बाद 34 करोड़ हो गया। बट FY17, FY18 और FY19 में ये काफी हद तक खराब हो गया। इनफैक्ट FY17 की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 6 करोड़ हो गया, उसके बाद FY18 में थोड़ा सा 9 करोड़ बढ़ा और FY19 में तो ये -17 करोड़ हो गया। अभी हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो तो और भी नेगेटिव हुआ है। इनफैक्ट फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो FY17 से लेके FY19 तक का फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूसली नेगेटिव है। अभी ये डेफिनेटली डरावनी बात है क्योंकि हमको लग रहा है कि जो भी कंपनी फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूसली नेगेटिव नंबर दिखा रही है उसका मतलब ये है कि कंपनी को फंडिंग की जरूरत बैंकों से या एक्सटर्नल फंडिंग से लगेगी, क्योंकि उनका ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल नहीं। अभी और एक नोटिसेबल बात जो हमने नंबर्स में देखी है वो ये है कि
कि लगातार लास्ट 2 सालों से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होने के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अभी आप सब कहेंगे कि इससे डिविडेंड्स का क्या लेना देना होता है। डिविडेंड्स जब फ्री कैश फ्लो नहीं होते हैं तब उसका मेन रीजन होता है कि डिविडेंड्स प्रॉफिट से नहीं बल्कि रिजर्व से या डेट से दिए गए। तो ये डेफिनेटली ये नेगेटिव बात है और हमको लग रहा है कि FY19 में तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नेगेटिव था और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होने के बावजूद कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया है। हालांकि डिविडेंड कोई बड़ी मात्रा में इन्होंने नहीं दिया है, डिविडेंड पेआउट्स भी मामूली 7 से 8 या 10% है। तो डिविडेंड पेआउट में भी कंपनी मामूली सा डिविडेंड दे रहा है, कोई बड़ी डिविडेंड दे रही है दे नहीं रही है। और अगर हम 2017 के पहले की बात करें तो 2017 के पहले ये कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे रही। हो सकता है कि कंपनी क्लोजली हेल्ड थी तो शायद उसके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी नहीं थी, बट अभी जो लास्ट 2 साल का डिविडेंड मिल रहा है वो ज्यादातर कंपनी के कोर प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं दिया गया है बट बेसिकली एक्सटर्नल फंडिंग से दिया है, जो अच्छी बात नहीं है और ये डेफिनेटली निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम कैश फ्लो एनालिसिस पे आते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको दिखलाता है कि कामकाजी मुनाफे से कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल, अपना कैपेक्स कैसे मैनेज करती है। अभी अगर हम इस कंपनी की कैश फ्लो एनालिसिस देखें जो हमने लास्ट 5 साल की है, तो FY16, 17 और 18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो मामूली करीबन 7 करोड़ था, वर्किंग कैपिटल कंजम्पशन, वो FY19 तक 56 करोड़ हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने डेटर से यानी जो कस्टमर से जो पैसा लेना है वो काफी समय के बाद ले रही है, सप्लायर्स क्रेडिट भी इनको कम मिल रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस आ रहा है और ये नंबर में काफी अच्छी तरह से दिख रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो FY16 में करीबन 34 करोड़ था वो अगले साल 6 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद 9 करोड़ हो गया और उसके बाद -18 करोड़ हुआ है। ये डेफिनेटली एक खराब संकेत है। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काफी पैसा कंपनी खर्चा कर रही है, लेकिन ये ज्यादातर पैसा ये अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से नहीं कर पा रही है क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लोस काफी कम है। और इसका यही मात्र कारण है कि हमने देखा है कि लास्ट 3 साल से, दैट इज FY17, 18 और 19 में हमने देखा है कि कंपनी की फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये डेफिनेटली कैश फ्लो दिखलाता है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रेस्ड है। कंपनी को काफी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने डेटर्स पीरियड, अपने जो कस्टमर्स है उनसे पैसा ज्यादा अच्छी तरह से रिकवर करनी पड़ेगी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वर्किंग कैपिटल पे उनका फोकस है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे उसका फोकस है, लेकिन ये अभी भी नंबर्स में देखना बाकी है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है ये कैश फ्लो एनालिसिस देखने के बाद कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक दिख रहा है और आगे आने वाले सालों में अगर ये कैश फ्लो पोजिशन इंप्रूव नहीं होती तो कंपनी को आगे शायद और भी दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है। अभी हम FY20 के पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे कि जून तिमाही का नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि कंपनी ने जो रेवेन्यू है काफी अच्छी तरह से बढ़ाया, करीबन 13-14% का ग्रोथ पहले क्वार्टर में आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीबन 20% बढ़ा है, जो करीबन 20 करोड़ हो चुका है। लेकिन ये पूरा बेनिफिट जो कामकाजी मुनाफा का है वो इंटरेस्ट कॉस्ट ने खा लिया है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 184% ये बढ़ चुका है और इसका मतलब साफ है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए इंटरेस्ट काफी बड़े मात्रा में स्पेंड कर रही है। तो उसका पूरा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे आया है। बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले तिमाही में लास्ट ईयर में करीबन 7.5 करोड़ थी वो अभी 3.35 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 55 करोड़ का फॉल कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। अभी मार्जिन भले ही इंप्रूव हो ऑपरेटिंग लेवल पे लेकिन बॉटम लाइन पे कंपनी ने काफी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि कंपनी ने ये क्लेरिफिकेशन दी है कि अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं इसलिए नंबर्स में थोड़ी बहुत कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। हमको लग रहा है कि Q2 का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मार्केट वॉच करेगी क्योंकि कंजम्पशन में हमने देखा है कि काफी हद तक डिमांड कम हो चुकी है रिटेल में एज वेल एज इंडस्ट्रियल में। तो आगे चल के ये नंबर्स अगर सस्टेन्ड तरीके से बढ़ते नहीं है तो कंपनी को आगे शायद और तकलीफ फेस करने को पड़े। अभी हम कंपनी के फ्यूचर डिमांड और प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि खादिम लार्जली एक B2C प्लेयर है जो ज्यादातर डोमेस्टिक लेदर फुटवेयर मार्केट में ऑपरेट करता है
और इनका मेन प्रोडक्ट बेस इकोनॉमी सेगमेंट में, हालांकि ये थोड़े बहुत अपर एंड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, लेकिन इनका मेन बिजनेस जो है वो बेसिकली इकोनॉमी सेगमेंट से आता है। दूसरी बात, अगर हम डिमांड प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। सबसे बड़ी एडवांटेज इंडियन मार्केट के लिए फुटवेयर को लेके अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि करीबन 80% हमारा जो पॉपुलेशन है वो 45 साल के नीचे है, और फुटवेयर सेक्टर के लिए ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात है क्योंकि यहाँ पे हेडरूम और पोटेंशियल ग्रोथ का काफी सिग्निफिकेंट है। हमको लग रहा है कि नॉर्मल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये सेक्टर कम से कम 15 से 16% की ग्रोथ आने वाले 3 से 4 साल में कंफर्टेबली दिखा सकता है। और अगर हम दूसरे पॉजिटिव बात इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज्यादा यू नो औरतें अभी बाहर नौकरी कर रही है, कामकाज कर रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट कंपनी के यू नो फुटवेयर मार्केट पे आने की पॉजिटिव उम्मीद है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो वुमेन्स फुटवेयर सेगमेंट है यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अंडर पेनेट्रेटेड है, और आगे 2-3 साल में जिस प्रकार के ट्रेंड्स हम लाइफस्टाइल चेंजेस में देख रहे हैं इसका फायदा जरूर ब्रांडेड प्लेयर्स को मिलना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिस्पोजेबल इनकम्स का बढ़ना प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम अभी इंडिया में देख रहे हैं इसका सीधा इम्पैक्ट ब्रांडेड प्लेयर्स पे हो रहा है, और ये डेफिनेटली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हमारे अभी कंट्री में ज्यादातर ये जो फुटवेयर मार्केट है वो करीबन अभी भी 50% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, तो हेडरूम डेफिनेटली ब्रांडेड प्लेयर्स के लिए काफी अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो फुटवेयर मार्केट में आने वाले 2-3 साल के लिए होपफुली कंजम्पशन का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, ऐसी उम्मीद है। अभी आगे हम ये देखेंगे कि खादिम किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर यू नो एंजॉय करे और अपना टॉप लाइन बढ़ाए। पहली बात तो खादिम के पास बड़ा प्रेजेंस है, ये करीबन 23 स्टेट में और 1 यूनियन टेरेटरी में ऑपरेट करते हैं, और इनका बिजनेस मॉडल 2 तरीके से बटा है, जैसे मैंने पहले भी कहा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन। करीबन 817 रिटेल स्टोर्स है और 568 डिस्ट्रीब्यूशन यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए इनकी मदद करते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि खादिम एक ऐसा प्लेयर है फुटवेयर मार्केट में जो इकोनॉमी से प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काफी माहिर है, और इसलिए हमको लग रहा है कि ज्यादातर ये बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड या मिडिल क्लास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे ज्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल रखता है। दूसरी बात, कंपनी का मानना है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को काफी अच्छी तरह से स्केल करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो उनको लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया रहेगा। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं और रिटेल कस्टमर्स नहीं है, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खादिम ने रिसेंटली 3 ब्रांड एम्बेसडर्स साइन किए हैं, जैसे कि फरहान अख्तर, कंगना रनौत और दिनेश कार्तिक, ये इनके अभी ब्रांड एम्बेसडर होंगे जो ज्यादातर इनके रिटेल बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। खादिम को लगता है कि जो ब्रांडेड फुटवेयर का जो पोटेंशियल है वो अभी भी इंडिया में अंडर पेनेट्रेटेड है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में जो अभी भी जो फुटवेयर मार्केट है वहां पे 50% अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट से आता है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ब्रांडेड यू नो प्लेयर्स के लिए, जैसे खादिम के लिए और बाकी जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि बाटा है, रिलैक्सो है, जहां पे हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले 2-3 साल में काफी अच्छा होगा। करंटली जो बिजनेस मॉडल खादिम ऑपरेट करता है उसमें से हमने देखा है कि करीबन 65% खादिम अपने रिटेल बिजनेस से जनरेट करता है, और जो बैलेंस 24-26% है वो बेसिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से आता है। अभी हम आते हैं कि कंपनी के जो मेन बिजनेस कंसर्न्स है वो क्या है। अभी पहला बिजनेस कंसर्न जो खादिम का है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि वो बेसिकली है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, और हमने देखा है कि लास्ट 3 साल से तो कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो रिकॉर्ड कर रही है। अभी ये क्यों है? क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है कि जहां पे इनको वर्किंग कैपिटल में अपना काफी पैसा अटकाना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी है, तो ये डेफिनेटली आगे भी अगर ये कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बराबर नहीं करती तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। हमने देखा है कि लास्ट 3 साल में FY 17, 18 और 19 में 3 सालों में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव,
अभी तीसरी जो बहुत नोटवर्दी बात यह है कि इनके पास 800 स्टोर से ऊपर रिटेल में काउंट होने के बावजूद खादिम का टर्नओवर मुश्किल से 800 करोड़ ही है। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव है, क्योंकि हमको लग रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ डेफिनेटली काफी बड़ा होना चाहिए था। अगर स्टोर्स इतने ज्यादा लंबे चौड़े और काफी अच्छी तरह से फैले हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क अभी हो नहीं रहा है। दूसरी बात, इनके पास इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है जहां पे करीबन ये 568 डीलर है। तो ये भी डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग बात है कि इसके बावजूद टॉप लाइन 800 करोड़ ही है। तो टॉप लाइन बढ़ाना कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको लग रहा है कि कंपनी को अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है तो आगे टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो अभी लास्ट 5 साल में हमने कोई बड़ी टॉप लाइन ग्रोथ देखी नहीं। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात जो हमको नजर में आई है वो ये है कि खादिम ने अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर साइन किए हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फरहान अख्तर, कंगना रनौत और दिनेश कार्तिक, ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। लेकिन इनके लिए कंपनी कितना खर्चा करेगी और कंपनी का कितना कैश फ्लो इनके ऊपर जाएगा, ये अभी तक कंपनी ने बताया नहीं। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि इस माहौल में और इस समय इतना ज्यादा खर्चा कंपनी अगर करेगी तो हो सकता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें और थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। कंपनी शायद बाटा को कंपेयर कर रही है, जहां पे उन्होंने सक्सेसफुली ब्रांड एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया है, जैसे कि कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन हमको समझना चाहिए कि बाटा और खादिम में बहुत फर्क है। बाटा कंट्री की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है और एमएनसी कंपनी है। इनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल डेट बैलेंस शीट पे नहीं है, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बढ़िया है। तो ये डायरेक्टली अगर हम देखें कि खादिम अगर सोच रहा है कि हमको ब्रांड एम्बेसडर से ज्यादा बिजनेस मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है। ये इसलिए क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली चीप फुटवेयर है, सस्ते जूते अगर आपको खरीदने हैं तो खादिम डेफिनेटली एक अच्छी दुकान है। लेकिन सस्ते फुटवेयर पे अगर कोई ज्यादा ब्रांडिंग की खर्चे करेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इससे आपका धंधा बढ़ेगा। और हो सकता है कि इनिशियली कस्टमर्स आएंगे, लेकिन जो ब्रांड एम्बेसडर्स का जो खर्चा है वो पूरी तरह से इनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि ये थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि अभी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी भी मजबूत नहीं है अगर हम फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लोस देखें। बट कंपनी का मानना है कि वो ये ब्रांड एम्बेसडर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो हमको ये थोड़ा सा समय इनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ आता नहीं है ब्रांड एम्बेसडर्स के आने के बावजूद, तो डेफिनेटली ये एक डरावनी वाली बात है, क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा तो बढ़ाएंगी और इनके मार्जिन्स को और दबाव में डाल सकती है। अभी जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी ने लगातार 2 साल से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देने के बाद फिर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अभी ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये क्यों किया है, लेकिन FY19 में कंपनी ने एक्चुअली 18 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो किया है और फिर भी कंपनी ने 10% की डिविडेंड दी है। हालांकि डिविडेंड पे आउट कोई बड़ी बात नहीं है, 10% के नीचे ही अभी डिविडेंड पे आउट है, लेकिन कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है, हम ऐसे मानते हैं कि होपफुली आने वाले साल में ये डिविडेंड पे आउट ज्यादा बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगा। क्योंकि आगे मार्केट्स इस बात को बहुत क्लोजली वॉच करेगी कि डिविडेंड पे आउट कहाँ से आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आ रहा है या वेदर इट इज वेदर इट इज गिविंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग। तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेके। अगर हम Q1 FY20 की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक जो कंसर्न सामने दिख रहा है वो ये है कि कंपनी ने टॉप लाइन और एबिटा तो अच्छी तरह से ग्रो किया है, लेकिन बॉटम लाइन पे कंपनी ने काफी बुरी तरह से अंडर परफॉर्म किया है। और हमको नहीं लग रहा है कि Q2 में कोई बड़ी रिस्पाइट या कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा है। हालांकि Q2 में सभी का मानना है कि फेस्टिव सीजन है और फेस्टिव सीजन में आपको डिमांड बढ़ने की बहुत एक्सपेक्टेशन है। हमको सभी को देखना पड़ेगा कि Q2 और Q3 में कंपनी कैसा करती है। अगर Q2 और Q3 में ये परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं आता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं रहे। और फाइनली हमने एक छोटा सा कंपेरिजन किया है
खादिम के फाइनेंशियल्स को लेके दूसरे दो जो बड़े दिग्गज है ये इंडस्ट्री में, जैसे कि बाटा और रिलैक्सो, इनके साथ हमने खादिम की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर किया। इससे हमको एक अंदाजा मिलेगा कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है और किस तरीके का जो बेनिफिट ये दोनों प्लेयर्स को मिलता है, ये बेनिफिट्स अभी तक खादिम को क्यों नहीं मिला है। तो पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे कम है दोनों के प्लेयर्स के मुकाबले में। और ये हम अगले वाले हमने बाटा, रिलैक्सो और खादिम के फाइनेंशियल्स FY19 के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेट सेल्स जो है बाटा के करीबन 2,900 करोड़ है, खादिम करीबन 800 करोड़ है, रिलैक्सो 2,400 करोड़ है। अगर हम इबिटा मार्जिन की बात करें तो इबिटा मार्जिन में खादिम सबसे लो लेवल पे आता है, करीबन 7.12%। अगर हम बाटा की बात करें जो मार्केट लीडर है वो करीबन 17% है, रिलैक्सो 15% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो खादिम काफी हद तक दोनों प्लेयर्स के मुकाबले में पीछे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एब्सोल्यूट टर्म्स में भी काफी कम है, करीबन 21 करोड़ है, जो बाटा के मुकाबले में काफी कम है। बाटा का प्रॉफिट करीबन 330 करोड़ है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो ये मार्जिन बाटा में हमने देखा है कि डबल डिजिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, रिलैक्सो का करीबन 8% है और खादिम करीबन 2.5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर खादिम का जो प्रोडक्ट रेंज है वो इकोनॉमी सेगमेंट में है, जहाँ पे कीमतें ज्यादा नहीं, और इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम होना काफी स्वाभाविक बात है। और इसलिए ये डेफिनेटली एक क्लियर चीज है कि जब तक खादिम का प्रोडक्ट बेस और वैल्यू एडेड नहीं होता है, तब तक मार्जिन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ी सी डिफिकल्ट बात होगी। अगर बाद में हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बात को दिखलाता है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया और उस पैसे पे आपका कामकाजी मुनाफा कितना है। अभी हम बाटा की बात करें तो बाटा करीबन 31% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है। रिलैक्सो की अगर हम बात करें तो ये भी 22% है, जो काफी अच्छा है। लेकिन खादिम की बात करें तो करीबन सिर्फ 10% आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि अगर हम इस लेवल को देखें तो ये डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स के मुकाबले में काफी कम है। फाइनली अगर हम टोटल कर्जे की बात करें तो बाटा बिल्कुल डेट फ्री है, रिलैक्सो के पास करीबन 87 करोड़ की डेट है और खादिम के पास करीबन 109 करोड़ का कर्जा है। अभी ये डेट की जो नंबर है ये आपको कंपनी के टॉप लाइन से कंपेयर करनी। अभी हम ये चार्ट में देखेंगे तो सबसे कम टॉप लाइन खादिम का है, लेकिन सबसे ज्यादा डेट खादिम का है। तो ये बात दिखलाता है कि कंपनी ज्यादातर डेट फंडिंग पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो का टॉप लाइन भी काफी मजबूत है, करीबन 2,400 करोड़ है। बाटा की बात करें तो बाटा कंप्लीटली अपने वर्किंग कैपिटल और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से अपने प्रॉफिट से जनरेट करता है, इनके पास कोई कर्जा नहीं। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो कस्टमर से ये कितने दिनों में अपना पैसा रिकवर करते हैं, बाटा को बिल्कुल हफ्ते भर का टाइम लगता है, रिलैक्सो को मुश्किल से 35 दिन में पैसा आता है, लेकिन खादिम को 61 दिन के बाद ही पैसा आता है। तो अभी आप समझ जाएंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया और कहाँ पे पैसा खादिम का अटक रहा है। तो ये डेफिनेटली कंपैरिजन ये बात को दिखलाता है कि खादिम के पास डेफिनेटली अच्छी रिटेल नेटवर्क है, अच्छा प्रेजेंस है ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, लेकिन इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और इनके ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसीज लेवल है वो दोनों बाटा और रिलैक्सो के कंपैरिजन में काफी कम है। अभी हम की पॉजिटिव्स पे आते हैं। खादिम के पास दो तीन अच्छे पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि इनके पास पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ईस्ट और साउथ में तो प्रेजेंट है ही, बट नॉर्थ और वेस्ट में भी इनका एक अच्छा नेटवर्क है और 38 साल से प्रेजेंट है, तो काफी वेल नोन ब्रांड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ज्यादातर बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड, यानी जो सस्ते और जो ज्यादातर मास रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वहां पे फोकस करते हैं, जो हमको लग रहा है कि इंडियन मार्केट में ये सेगमेंट डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे देश में बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड में ही है। तो खादिम डेफिनेटली एक इकोनॉमी सेगमेंट में एक वेल नोन प्लेयर है, जो हमको लग रहा है कि आगे भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो ब्रांड है वो हमको लग रहा है कि ब्रांडिंग ईस्ट और साउथ में तो डेफिनेटली अच्छी है, नॉर्थ और वेस्ट में तो कंपनी कोशिश कर रही है कि ये और थोड़ी अच्छी तरह से बढ़े। करीबन 51% इनका जो है वो मेंस के फुटवेयर से आता है, 34% वुमेन फुटवेयर से आता है और किड सेगमेंट में इन्होंने जो प्रोडक्ट रेंज अनाउंस की है
ये यहां से करीबन 15। अभी हम फाइनली कंपनी के वैल्यूएशन पे आएंगे। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि बाजार में जो फुटवेयर की कंपनीज है वो काफी हाई फैंसीड वाली कंपनीज है, क्योंकि मार्केट्स इनको इंडियन कंजम्पशन थीम का एक हिस्सा समझती है और यहाँ पे ब्रांडिंग का प्रेजेंस होने का बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा है। इसलिए हमने देखा है कि आप अगर दो दूसरे प्लेयर्स को कंपेयर करें, जैसे कि बाटा है, रिलैक्सो है, तो ये काफी महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि बाटा करीबन 48 के पी पे चल रहा है, रिलैक्सो करीबन 45-46 times FY19 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही चीजें फुटवेयर सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएशंस इस फैक्टर पे कंपनीज को मिलती है। अभी हम खादिम इंडिया की बात करें तो खादिम इंडिया ऐसे समय में उन्होंने आईपीओ किया था 2017 नवंबर में, जब बाजार बहुत तेज था, और शायद इसीलिए इनको काफी अच्छा पी मल्टीपल 42 times का मिला। बट ये 2017 की वैल्यूएशन थी। अगर हम आज की डेट की वैल्यूएशन देखें तो FY19 के हिसाब से इनका जो पी मल्टीपल है वो 15-16 आया है। अभी हमको समझना है ये मल्टीपल है ये अभी भी ठीक है या इससे भी थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। इसके लिए हम वैल्यूएशन की बात और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो हम समझते हैं कि ये जो करंट वैल्यूएशन खादिम इंडिया का है करीबन 16 times FY19 के अर्निंग्स पे, जब कंपनी का ईपीएस करीबन 12 रुपया था, ये पिछले साल का अर्निंग था। हम अगर आगे आने वाले एक साल की बात करें तो हमको लग रहा है कि खादिम का जो कैश फ्लो है वो काफी वीक है। दूसरी बात, इनके इबिटा मार्जिन्स भी दूसरे दोनों कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में काफी कम है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि इनको कोई प्रीमियम वैल्यूएशन देगा ऐसा हमको लग नहीं रहा है, अनलेस ये आने वाले 1.5-2 साल में अपना टॉप लाइन और प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 38 साल का एक्सपोजर होने के बाद कंपनी अभी भी 800 करोड़ के टॉप लाइन पे अटकी हुई है। इनके लिए अगर ग्रोथ आना है तो टॉप लाइन बढ़ने के बाद ही आएगा, जो एटलीस्ट इन द नियर टर्म काफी टफ पोजिशन लग रहा है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन काफी टफ है। ग्राउंड रिसर्च हमने किया है, हमने देखा है कि कंजम्पशन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वहां पे थोड़ी बहुत मंदी छाई हुई है, कंजम्पशन ट्रेंड्स इफेक्ट हो चुके हैं। तो ये खादिम के लिए आने वाले साल के लिए हमको लग रहा है काफी दिक्कत की बात रहेगी, क्योंकि FY20 इनके लिए बहुत डिफिकल्ट ईयर साबित हो सकता है। अभी हम आगे अगर फाइनेंशियल्स की बात करें और अर्निंग्स की बात करें खादिम इंडिया के लिए, तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल में खादिम कम से कम 8 या 9 रुपए का ईपीएस दिखाएगा, जो पिछले साल से कम होगा, और FY21 में होपफुली 10 से 11 रुपए की अर्निंग आएगी। अभी आप कहेंगे कि इसका सीधा मतलब शेयर प्राइस पे क्या होता है? हमको लग रहा है कि जो मल्टीपल अभी खादिम को मिल रहा है, करीबन 16 का मल्टीपल मिल रहा है, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि कंपनी की ब्रांडिंग प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब कैश फ्लो नेगेटिव है तभी एक डर हमको रहता है कि कंपनी आगे फंडिंग कैसे करेगी। होपफुली फंडिंग आएगी तो डेट फंडिंग से होगी, और ये मार्केट्स को डेफिनेटली पसंद नहीं रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक 745 से 180-185 हो चुका है, और मार्केट्स का ऐसा मानना है और हमारा भी ऐसा मानना है कि अगर आने वाले 1-2 quarter में कंपनी की अर्निंग्स पिकअप नहीं होती तो 8 या 9 रुपए के ईपीएस पे हमको लग रहा है कि कंपनी को मुश्किल से 10 या 11 का पी मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये कंपनी हमको लग रही है कि हो सकता है कि आने वाले साल भर में यहां से भी गिरावट दिखाने की क्षमता रख सकता है, और हो सकता है कि ये डबल डिजिट स्टॉक हो जाए। कहने का मतलब साफ है कि जिनके पास भी ये स्टॉक है, ये स्टॉक हमारे हिसाब से कोई वैल्यू क्रिएशन देगा नहीं, ये डेंजर जोन में है, क्योंकि नंबर्स आने वाले 1-2 quarters के लिए काफी वीक रहेंगे, इनके खर्चे बढ़ने वाले हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ कोई ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी ऐसा अनुमान तो अभी लग नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि इस स्टॉक से जिनके पास शेयर है उनको निकल जाना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आने वाले साल में तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा एक व्यू और सजेशन रहेगा कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आने वाले साल में हो सकता है कि स्टॉक डबल डिजिट भी हो सके। तो दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस खादिम इंडिया पे था। ये स्टॉक में हमको लग रहा है कि ऑलरेडी काफी वेल डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और आगे अगर किसी के पास है या किसी ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो इस स्टॉक से प्लीज निकल जाए, क्योंकि यहाँ से और गिरावट की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, इसी के साथ हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं, लेकिन जाने
मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, इस वीडियो में आपका क्या सजेशंस है ये प्लीज हमको बता दीजिए, क्योंकि हमको आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर हमको फॉलो करना है तो आप ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारी ट्विटर आईडी सामने बताई गई है, जीमेल आईडी भी है। आप हमको अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए, हम इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे और आपको फ्यूचर में डेफिनेटली प्रस्तुत करेंगे। और इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई स्टॉक रिलेटेड यू नो प्रॉब्लम है तो वो भी हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।